खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। ये मलकनगिरी एक बहुत पिछला जिला है, जिले जानते हैं एजुकेशन में कीजिए कि अलग सुविधा से बहुत दूर है। तो उस वर्ग से एक लड़की, मुझे भी सोचता कि अपने ज़िले के लिए मैं कुछ करूं, तो देखी कि पत्रकारिता ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर विभाग में जाके मैं अपने बात रख सकूं। जो उस वजह से मैंने इसे चुना, क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी लड़की हूँ, हमारे इलाके में बहुत सारी असुविधाएँ हैं, उन सबको मैं खुद जूझती रही। तो देखी कि इस सब को हमको बाहर निकलना है और खुद की बातें किसी के सामने तो रखना ही है, इसी वजह से मैंने पत्रकारिता को चुना। पता नहीं ऐसा क्या है कि बड़े शहरों में भी ऐसे एक जो सोच रहती है लड़कियों को उस तरह से, जैसे मेरा कॉलिग्स जो है पुरुष है तो उसके साथ मैं भी हूँ, तो उनका स्टोरीज को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, मेरे उस तरह से नहीं लिया जाता। तो वहाँ पे भी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि मेरे, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मेरा उस तरह से वो लोग सहयोग भी नहीं आ पाता है सही में। तो किस तरह की फीलिंग लगती है कि आप मेहनत करते हो और फिर भी आपकी खबरें नहीं जाती हैं, आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है? तो बुरा तो बहुत लगता है, क्योंकि मैं फील्ड में काम करती हूँ, बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं, एक उम्मीद रहता है कि मैं अपने काम से कुछ अच्छा कर पाऊँ, लेकिन वो सहराया नहीं जाता, कोई आपको कोई पूछता नहीं है, उस तरह से होने से जो खुद के अंदर जो मनोबल है वो टूट जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। जी नहीं, मैं पहली ज़िले की पहली लड़की हूँ जो रिपोर्टिंग करती हूँ, बाकी सारे तो मेल पर्सन से। तो जब आप पुरुषों के साथ काम करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? पुरुष हर जगह तो पुरुष ही हैं, तो उसमें खुद को एक चैलेंज लगता है, क्योंकि अकेले लड़की परेशानियां भी होती है, लेकिन उस सब से जुड़कर आगे आना की कोशिश करती हूँ। बाहर से भी पहले जब मैं कोर्स करने के लिए जर्नलिज्म करना चाहती हूँ तो मना किए थे, क्योंकि लड़की हो क्यों ऐसा भी कोर्स में कर पाओगे, नहीं इसमें इसका तो कोई, यहाँ पे मलकनगिरी हमारा सोच है लड़कियाँ पढ़ लिख के कोई छोटा मोटा जॉब कर ले, और इस तरह का प्रोफेशन में जो कि जॉब जैसा नहीं लगता है, उनको अच्छा सैलरी नहीं होता है, इस तरह का प्रोफेशन घूमना बाहर जाना ऐसे भी, तो घर में भी मना किए थे। और समाज में भी जब भी काम करते हैं ऐसे कि खुद के जर्नलिस्ट फ्रेंड्स भी बोलते हैं, लड़कियों आप बाहर जा पाओगे, जंगल में जा पाओगे, ऐसे कर नहीं पाओगे, इस तरह का चुनौती रहता है, लोग बोलते ही रहते हैं। पढ़ाई? हाँ, मैंने कॉलेज की तक बीए की तक मलकनगिरी में पढ़ाई की, उसके बाद जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जो है वहाँ से, हमारे ज़िले से 150 किलोमीटर दूर है, जो कि बाहर हमारे ज़िले में यूनिवर्सिटी कुछ नहीं था, वही पास का एक यूनिवर्सिटी था, वहाँ पर मैंने मेरा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।